मुझे समझ में नहीं आया, राशन की दुकान है, सरकार है, कितनी सी स्थिति है। मध्य प्रदेश की सरकार है या राशन की दुकान, ये कहना है मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का। उन्होंने यह बयान दिया है कि प्रदेश सरकार में आरक्षण चल रहा है, सभी बड़े नेताओं के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया राशन की दुकान है या सरकार है। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस में असली मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ तो ऐसा परसेंटेज चल रहा है जैसे आरक्षण चल रहा है, इतने परसेंट दिग्विजय सिंह के मंत्री, इतने परसेंट कमलनाथ के मंत्री, इतने परसेंट सिंधिया जी के मंत्री, और पता नहीं पीछे पीछे कौन है, राहुल गांधी का भी कोटा चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया राशन की दुकान है सरकार है, कितनी सी स्थिति है। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले वो अपना घर संवारे, इसके बाद जब वो घर ही नहीं उनका संवरेगा तो गिर जाएंगे, अपने बोझ से भरभराए गिर जाएंगे, हम क्या करेंगे उसमें। और लोकसभा चुनाव तक की देर, इसके बाद आपको देखने मिलेगी। इतना ही नहीं, गोपाल भार्गव का कहना है कि प्रदेश में आतंकवादी संगठन सिमी का जाल फैल गया है और प्रदेश में आतंकवाद की वापसी हो रही है। देखिए, प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लगातार बड़े बड़े शहरों में, ऐसे शहर जो हमारी औद्योगिक राजधानी माने जाते, इंदौर जैसे शहर में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हो गई, मंदसौर में नगर पालिका परिषद के चुने हुए अध्यक्ष की हत्या हो गई, हमारे मंडल अध्यक्ष की बड़वानी में हत्या हो गई, लगातार इस प्रकार की हत्याएं पूरे प्रदेश में श्रृंखलाबद्ध तरीके से चल रही हैं। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अपराधी बेखौफ हो गए, सिमी का जाल पूरी तरह से फैल गया है। हम लोगों ने, हमारे पूर्व गृह मंत्री जी ने और हमारी सरकार ने राज्य से डाकुओं का पूरा सफाया कर दिया था, आतंकवादियों का सफाया कर दिया था, चाहे वो सिमी हो चाहे अन्य प्रकार के आतंकवादी हो। लेकिन आज मुझे कहते हुए दुख है कि उन लोगों की वापसी हो रही है, आतंकवादी घटनाओं की वापसी हो रही है, लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता था हिंदुस्तान का, वह शांति का टापू अशांति के रूप में बदल रहा है। हम प्रतिपक्ष में हैं, इन सब बातों का विरोध करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। वही पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि कांग्रेस पार्टी को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर चुनाव आयोग को भेजे कि लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएं ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार बने। पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, खुलेआम अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं और प्रदेश में एक जो अस्थिरता का वातावरण है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती है, परंतु ये पहली बार हुआ कि एक माह के अंदर सरकार बुरी तरह से फेल हो गई। सरकार को राज्य की प्राथमिकताओं से कोई मतलब नहीं है, ये अल्पमत की सरकार है, ये कैबिनेट से प्रस्ताव करके निर्वाचन आयोग को भेजें कि लोकसभा के साथ मध्य प्रदेश के विधानसभा के फिर से आम चुनाव कराए जाएं, जिससे कि एक स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बन सके, स्थिरता आ सके और राज्य का विकास जिस गति से चल रहा था उस गति से राज्य का विकास चल सके। आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, उसी के अंतर्गत यहाँ पर। दोनों भाजपा नेताओं ने ये बयान मध्य प्रदेश में हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में सागर जिला मुख्यालय पर हुए प्रदर्शन के दौरान कही। भाजपा ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के नेतृत्व में सागर में जमकर प्रदर्शन किया। भाजपाइयों ने म्यूनिसिपल स्कूल के पास से पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस सरकार का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, जिले के भाजपा विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के बाद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है लगातार बड़े बड़े शहरों में दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हो गई,
मंदसौर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की हत्या हो गई, भाजपा मंडल अध्यक्ष की हत्या हो गई। जब से कांग्रेस की सरकार बनी है अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं, सिमी का जाल फैल गया है। जब भाजपा सरकार थी तब ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आतंकवाद की वापसी हो रही है, देश में इसी प्रकार के कानून व्यवस्था बदहाली रही तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी, कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी और हम बाध्य कर देंगे सरकार के लिए कि अमन चैन कायम रहे, अन्यथा वो जाए। श्रीमद् भागवत कथा मालवा माटी में माँ सरस्वती के वरद पुत्र पंडित श्री कमल किशोर जी नागर द्वारा श्रीमद् भागवत कथा स्थान टिकिटोरिया तीर्थ स्थल रहली जिला सागर में आप सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 22 जनवरी से 28 जनवरी तक, समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। श्रीमद् भागवत कथा।